everyone, welcome to the channel Fun Food and Travel Mantra. You are with Surbhi. Basically, this channel is about exploring the new places and food. Please do subscribe this channel and comment, like and share this video. In this video, I'm going to talk about how to plan the trip to Bali and Kuala Lumpur and what are the basic requirements for this trip so that you can enjoy your stay in the Bali and Kuala Lumpur. हम लोगों ने जब अपनी ट्रिप के लिए प्लान करना स्टार्ट किया तो बेसिकली हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बाली विजिट करेंगे. तो जब हम लोगों ने फ्लाइट्स के लिए सर्च करना स्टार्ट किया तो ऐसा था कि इंडिया से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है. या तो आपको वाया कुआलालंपुर जाना पड़ेगा या वाया सिंगापुर जाना पड़ेगा या वाया थाईलैंड जाना पड़ेगा. तो हम लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना इन तीनों कंट्रीज में से भी कोई कंट्री को भी ऐड कर लिया जाए, उसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए. तो हम लोगों ने कुआलालंपुर को पिक किया कि इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं साथ में. तो बेसिकली हम लोगों का जो फाइनल ट्रिप प्लान हुआ दैट वाज फ्रॉम इंडिया टू कुआलालंपुर, देन फ्रॉम कुआलालंपुर टू बाली एंड देन रिटर्न टू इंडिया. फ्लाइट टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स के बारे में, तो अगर आप बजट ट्रिप प्लान करना चाहते हैं इन दोनों कंट्रीज के लिए तो जो लो कॉस्ट एयर कैरियर्स हैं वो हैं मिलिंदो एयरलाइंस, एयर एशिया एयरलाइंस एंड स्कूट एयरलाइंस. तो बेसिकली जब आप इनमें से किसी एक एयरलाइंस को चूज करते हैं अपना टिकट बुक करने के लिए तो ये मेक श्योर करें कि आप इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट से ये टिकट बुक कर रहे हैं. इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं. लाइक जब हम लोगों ने मिलिंदो एयरलाइंस से अपना टिकट बुक किया था इसकी खुद की वेबसाइट से तो हम लोगों को फ्री मील प्रोवाइड किया गया था उस टाइम पे. और इसके साथ आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जब आप इनमें से किसी वेबसाइट से अपना टिकट बुक करते हैं इनकी इंडिविजुअल वेबसाइट से तो उस टाइम पे आप जिस कंट्री से एग्जिट कर रहे हैं तो आपको वहाँ की करेंसी में ही पे करना होता है. तो आप जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए. और साथ में अगर आपको कुछ एडिशनल थिंग्स ऐड करनी है, लाइक आपको एक्स्ट्रा बैगेज ऐड करना है या मील्स ऐड करने हैं, तो वो आप बुकिंग के टाइम पे ही इसमें ऐड कर लें. और मैं बात करना चाहूँगी वेजिटेरियंस में लोगों के बारे में. जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल है इस रूट पे, इन तीनों एयरलाइंस के बारे में बेसिकली बोलूँगी, तो जो वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड होते हैं. तो एडवाइजेबल है कि आप लोग अपने साथ मील पैक करवा के ही लेके चलें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैवलिंग में. अगर आप लोग अदर वेबसाइट्स यूज़ करते हैं फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप इंडियन करेंसी में पे कर सकते हैं बुकिंग्स करने के लिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं लाइक कन्वीनियंस फी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अगर आप इंडिविजुअल वेबसाइट से ही बुक करते हैं एयरलाइंस की तो आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग्स चीपर पड़ती हैं. साथ ही अगर आप लोग फिर भी चूज़ कर रहे हैं कि हम लोगों को अदर वेबसाइट से ही बुक करना है तो जब आपकी बुकिंग्स हो रही होती हैं तो उस टाइम पर आप एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपका जो वन वे का फ्लाइट टिकट है वो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं तो दोनों फ्लाइट्स या तो सेम एयरलाइंस की हों या फिर दोनों सेम टर्मिनल से जाती हों. क्योंकि अगर आपके टर्मिनल डिफर कर गए तो आपको टर्मिनल ट्रांसफर में इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ सकता है. अब हम लोग होटल बुकिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो जब भी आप होटल बुक भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम चीज़ कि आप होटल की इंडिविजुअल वेबसाइट से होटल बुक करें. उससे भी आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल सकते हैं. लाइक जब हम लोगों ने बुक किया था तो हम लोगों को वन वे ट्रांसफर फ्रॉम एयरपोर्ट फ्री था, प्लस वन नाइट स्टे एट होटल भी फ्री मिला था. किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए चार डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं: आपका पासपोर्ट, उस कंट्री का वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स और अकोमोडेशन. एक चीज़ आप सबसे ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस भी कंट्री को एग्जिट कर रहे हैं वहाँ की एग्जिट डेट के 6 महीने बाद तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए. अदरवाइज आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उस कंट्री में एंटर करने में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. कंट्री में एंटर करने के लिए आपको वहाँ की परमिशन लेनी होती है जो आपको वीज़ा के फॉर्म में मिलती है. तो सबसे पहले हम लोग मलेशियन वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं. बेसिकली इंडियंस के लिए 3 टाइप के वीज़ाज वहाँ पे अवेलेबल है मलेशिया में: ENTRI, ई वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा. ENTRI की वैलिडिटी 14 डेज स्टे करने के लिए होती है और आपको सिंगल एंट्री अलाउड होती है मलेशिया में. वैसे ही ई वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका वैलिडिटी 30 डेज का होता है और वो भी सिंगल एंट्री के लिए अलाउड होता है.
मल्टीपल एंट्री वीज़ा में आप मल्टीपल टाइम्स अपने ट्रिप के दौरान मलेशिया में एंटर कर सकते हैं और इसका वैलिडिटी 30 डेज होता है। बाकी इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अब हम बात करते हैं बाली के बारे में। तो बाली में बेसिकली वीज़ा एग्जेम्पशन है अगर आप अपना स्टे मैक्सिमम 30 डेज तक के लिए प्लान कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे बाली एयरपोर्ट पे, उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे और वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगा कंट्री में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर आपका स्टे 30 डेज से ज़्यादा का है, 30 to 60 डेज के लिए है, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों का स्टे बेसिकली 5 डेज का था वहाँ पे, तो हम लोगों ने वीज़ा एग्जेम्पशन लिया था। बेसिकली आप जब किसी कंट्री में एंटर कर रहे हैं या किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ भाई ये लोग हमारी कंट्री में आए हैं या ये लोग हमारी कंट्री से बाहर गए हैं। तो बेसिकली इसके लिए इमिग्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इमिग्रेशन का प्रोसेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो सारे रेडी होने चाहिए, लाइक आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपके होटल स्टे के टिकट्स, आपकी फ़्लाइट टिकट की बुकिंग्स, ये सब रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं होम इमिग्रेशन की बात करूँ, तो हम सबसे पहले एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहाँ से हम लोग अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन पे जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करेंगे और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट और आपका फोटोग्राफ कैप्चर किया जाता है और आपको वहाँ से जाने की परमिशन मिल जाती है। और कभी कभी किसी किसी सीन में ऐसा हो सकता है कि आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन किए जाएं, लाइक आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन का आपका स्टे है। तो इन सबसे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शांति से इनका आंसर दें, इजीली आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सेम चीज़ ऐसे है कि जब हम अपने डेस्टिनेशन कंट्री में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को इमिग्रेशन क्लियर करना होता है। लाइक हम लोग मलेशिया में गए तो हम लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ा था, तो हम लोग इमिग्रेशन काउंटर पे गए और वहाँ पे हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद हम लोगों का स्टैम्प लगा दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मलेशियन इमिग्रेशन का स्टैम्प यहाँ पे है। और वैसे ही हम लोगों को वीज़ा एग्जेम्पशन था बाली में, तो बाली में जब आप जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे तो वहाँ पे भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, या तब किसी किसी केस में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखते हैं, बस आपका बोर्डिंग पास देख लेंगे और स्टैम्प लगा दिया जाता है आपके पासपोर्ट पे। ये आप देख सकते हैं बाली का इमिग्रेशन का स्टैम्प। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है करेंसी। हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास वहाँ की लोकल करेंसी होना बहुत ज़रूरी है। हम वहाँ के लोकल मार्केट्स में शॉपिंग करेंगे, लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोकल करेंसी में कुछ कैश हमारे पास हैंडी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने कंट्री से हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवा के जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से भी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और जब हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि एयरपोर्ट से कभी भी करेंसी एक्सचेंज ना करवाएं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कन्वर्जन रेट बहुत कम मिलता है, तो ये हम लोगों को ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। प्लस वहाँ के लोकल मार्केट से हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंट्स हैं सिर्फ वहीं से हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवाएं। इस इमरजेंसी सिनारियों में आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं कन्वीनियंस फी और कन्वर्जन चार्जेस के रूप में। तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट या इमरजेंसी ना हो। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक एक्स्ट्रा फॉरेक्स कार्ड कैरी कर सकते हैं जिस पे क्रॉस करेंसी मेकअप चार्जेस नील हों। बारे में मैं बात करूं तो मलेशिया के लिए मलेशियन रिंगट हम लोगों ने हमारी जगह से ही परचेज कर लिए थे, जहां पे हम लोग हैं वहां से परचेज करके लेके गए थे। और IDR चूंकि बहुत वीक करेंसी है तो यहां पे हम लोगों को मिल नहीं रही थी, तो जैसे कि इंडोनेशिया में काफ़ी जगहों पे USD भी एक्सेप्टेबल होता है, तो हम लोगों ने थोड़ा अपना प्रिकॉशन के तौर पर थोड़े USD अपने साथ कैरी कर लिए थे। उसके अलावा फॉरेक्स कार्ड में हम लोगों ने नियो ग्लोबल कार्ड अपने साथ रखा था, जो कि मेरे हिसाब से, जो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, हम लोगों के लिए ट्रिप में काफ़ी सही रहा। उससे कैश निकालना, कैश विड्रॉ करना काफ़ी इजी है और क्या कहते हैं, आप स्वाइप भी कर सकते हैं इजीली कहीं पे, और इस पे जो कन्वर्जन चार्जेस हैं बहुत कम हैं, नील हैं कन्वर्जन चार्जेस।
करना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें कौन कौन से अट्रैक्शंस विजिट करने हैं, कहाँ कहाँ पे साइट सीइंग करना है, तो ये सब प्री प्लान्ड होना चाहिए। इसके लिए बेसिकली आप लोग के लुक ऐप है उसका यूज़ कर सकते हैं, उस पर सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं पर्टिकुलर जगह पे, कहाँ कहाँ साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, और उसके पैकेजेस भी अवेलेबल होते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट टूर बुक करें या फिर ग्रुप टूर बुक करें, और यूजुअली ऐसा होता है कि आपको होटल से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहती है। और अगर हम मलेशिया के बारे में बात करें तो हम लोगों को, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हमें लोकल ट्रैवल करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, लोकली भी हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मलेशिया की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने कैब बुक करने के लिए ग्रैब ऐप का यूज़ किया था। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ग्रैब और गोजेक दो ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप कैब्स बुक कर सकते हैं और इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और साथ ही अगर आप लोगों को ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करना है जहाँ आप स्टे कर रहे हैं वहाँ तक के लिए, तो भी आप ग्रैब ऐप के थ्रू फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वालालंपुर में हम लोगों ने केएलसीसी एक्वेरिया, केएल टावर, पेट्रोनस टावर और बाटू केव्स, ये मेन अट्रैक्शंस थे जो हम लोगों ने विजिट किए। उसके अलावा अगर मैं बाली के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे हमने नुसा पेनिता का एक डे टूर किया था। उसके अलावा तनालो टेम्पल, कुलावटू टेम्पल, और एक दिन हमने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की थी सारी, और इसके अलावा माउंट बतूर का भी ट्रैवल हम लोगों ने किया था। बाकी हम इसके बारे में डिटेल्ड आपको हमारे अगले वीडियोज़ में बताएंगे, तो ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियोस देखते रहिएगा। अब एक बेसिक चीज़ ये है कि आप जब भी किसी अट्रैक्शन को विजिट कर रहे हैं ना, तो वहाँ से सोवेनियर कभी भी नहीं खरीदो, कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखो। सोवेनियर्स खरीदने या आपको शॉपिंग करनी है तो उसके लिए लोकल मार्केट में जाना चाहिए, और वहाँ पर अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग करके ही कुछ ना कुछ खरीदना है, ठीक है। और इसके अलावा फूड के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप टिपिकल इंडियन फूड खाना चाहते हैं मलेशिया में क्वालालंपुर में, तो वहाँ पे लिटिल इंडिया करके एक प्लेस है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपको वहाँ पे सारा इंडियन फूड अवेलेबल रहेगा। और अगर मैं बाली के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको इजीली इंडियन फूड मिलेगा जो कि काफ़ी टेस्टी। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी ट्रिप प्लान की। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी बाली और क्वालालंपुर की ट्रिप के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारे आगे के वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ट्रैवल करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय।